सब कल एक बातचीत हुई थी, आज सब कुछ हो गई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स राय बरेली रिफर किया गया था। वहां से डॉक्टरों द्वारा उन्हें लखनऊ के लिए रेफर किया गया, जहां पर ले जाते समय उसमें से एक घायल में से एक व्यक्ति मकसूद राणा की रास्ते में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद विवेचक द्वारा इसमें समुचित धाराओं में विवेचना को तरमीम कर दिया गया है और इसमें नामजद 14 लोगों को नियुक्त किया गया था, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। घटना का कारण क्या रहा है? देखिए, इसमें दोनों पक्षों के बीच आपस में मुकदमे हैं। जो पक्ष घायल हुआ है 2014 में, इसके द्वारा विपक्षी के ऊपर अपनी बेटी की मर्डर का केस लिखाया गया, मुकदमा लिखाया गया था। इसमें गवाही पूरी हो गई है। जब भी इसमें गवाही लगती थी तो थाने द्वारा एक सुरक्षाकर्मी के साथ गवाही के लिए इनको भेजा जाता था। अब इसमें डिसीजन आने के कगार पे है, इसी को लेकर के दोनों पक्षों में कल झगड़ा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।